हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस बार हम MI का ट्राईपोड प्लस सेल्फी स्टिक को ओपन करने वाले हैं और इसके बहुत ही रिव्यूज़ और बहुत ही अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिले हुए हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वाया, आप इसके अंदर इसकी सेल्फी बटन आपको एक मिलता है जो कि आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो एक बार यूज़ करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर लास्ट में। और मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये 1100 रुपीज़ का है और इसके अंदर आपको ट्राईपोड प्लस सेल्फी स्टिक मिलती है। सेल्फी स्टिक की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट 2 या 3 फिट के बीच में होगी, तो वो मैं अभी ओपन करके दिखा दूंगा। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मी की वेबसाइट से ही मैंने इसको बाय किया और 1100 इसका फिक्स प्राइस है। अभी फिलहाल प्राइस में भी चेंज और कुछ भी नहीं आया डिफरेंस। ये सेकेंड टाइम अभी मैंने बाय किया प्रोडक्ट सिर्फ ओपनिंग के लिए, तो अभी वो कंटिन्यू करते हैं। कुछ इस तरह की है इसकी ओपनिंग के लिए। आप देखो इसमें बॉक्सिंग वगैरह इस करके दी हुई है इसकी, कोई हार्म तो नहीं होगा। खैर अब ओपन कर लेता हूँ इसको। इसके अलावा आप एक रियलमी का भी सेल्फी स्टिक चेक कर सकते हैं, पर उसका इशू है कि उसके अंदर आपको सेल डालने पड़ते हैं, बट इसके अंदर जो बटन दिया गया है वो आप रिचार्ज कर सकते हैं बार बार। तो आप अपने बैटरी है उसकी, अब वो बैटरी से इसको चार्ज कीजिए और यूज कीजिए। बड़ा ही हार्ड प्लास्टिक शायद निकालना मुश्किल हो रहा है। ये पेपर वगैरह हुआ इसको यूज़ करने का, और ये इसके अंदर ये हैंग था, और ये हमारी सेल्फ स्टिक हो गई। तो इसको आप ऐसे करके ओपन कर सकते हैं और ये ऐसे रखा जाएगा। अब ये रोटेट भी हो सकता है 180 में, अब इसको बेंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग ऐसे करके, तो हमारा ये यूज़ हो सकता है ऐसे करके। और फिर ये ऐसे आप इसको एज अ सेल्फी स्टिक यूज कर सकते हैं। तो लगभग 2 फुट के आसपास आराम से हो गए, देखो 2 फुट इजली है, 2 फुट से ज़्यादा हो सकता है। तो ये इसको साइड में रखता हूँ अभी, और ये हमारा बटन है। बटन एक बार जिस फ़ोन के साथ इसको पेयर कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने देखा वो उसके साथ पेयर दिखाएगा और दूसरे फ़ोन में शो भी नहीं होगा जब तक उस फ़ोन में पेयर। अगर आपको दूसरे फ़ोन में पेयर करना है तो आपको इसको पुराने फ़ोन से अनपेयर्ड करना होगा, देन आप यूज़ कर पाएंगे। ये बटन इस तरह का है और ये प्लास्टिक की बॉडी है इसकी बटन की, और ये यहाँ पर हैंग होगा। जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको इसके अंदर पैक करके रख सकते हैं। और ये बटन दिया गया है कैमरे क्लिक करने के लिए, तो आप इसे वीडियो वगैरह कैप्चर करना चाहते हैं। ये वाया ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, ये देखिए। और ऑन करने के लिए इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखो तो ये लाइट होगी, इसका मतलब ये ऑन हो गया। अब मैं दूसरे फ़ोन में इसका कनेक्ट कर सकता हूँ, ये दूसरा फ़ोन है, मैं इसमें एक बार इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइज, मैंने इसको ब्लूटूथ से अब कनेक्ट कर लिया है, ये इस फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको फ़ोटो लेने की कोशिश करता हूँ। आप इसको प्रेस करोगे और ये फ़ोटो कैप्चर होगी। तो सेम चीज़ आप वीडियो में भी कर सकते हो, तो अगर आप इसको दबाते हो तो वीडियो स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा क्लिक करोगे तो वीडियो रुक जाएगी, ये ऐसे वर्क करेगा। तो ये बड़े ही गजब का है। इसका सिर्फ एक एडवांटेज है, प्राइस इसका 1100 ही सेम है और इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका चार्जिंग बटन का ये, तो आप किसी भी ऑर्डिनरी अपने वायर और चार्जर के साथ इसको कर सकते हैं। थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, और जब इसमें आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जब आप ये बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पर रेड लाइट आ जाती है ब्लू की जगह, तो आपको वो सिग्नल मिल जाएगा कि वो बैटरी लो हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह, अभी एज अ ट्राईपोड यूज़ कीजिए आप इसको, या फिर आप इसको एज अ सेल्फी स्टिक यूज़ कीजिए।
तो ये कुछ इस तरह काम करेगा। ओके गाइस, यही रहेगा इस वीडियो के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।